So hello everyone, today let us discuss on the topic that is finding quadratic equation where zeros are given. Very very interesting topic होने वाला है ये. देखिए इतना दिन हम लोगों ने मेरे earlier videos में आप लोगों ने देखा कि हम लोग का पास quadratic equation होता है, उसके बाद हम लोग वहां से zeros निकालते हैं, है कि नहीं? बोलिए आज हम लोग के पास zeros रहेगा, आपको उसके help से quadratic equation निकालना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं. चलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो. तो ये तो हो गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपको भी पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. ये है आपका जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक क्यों बोला जाता है? डिग्री टू. लीनियर क्यों बोला जाता है? डिग्री वन के लिए. क्यूबिक कब बोला जाएगा? डिग्री थ्री. इस इक्वेशन का डिग्री टू है, हाइस्ट पावर टू है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं. ए कौन है यहां पे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. बी है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स. सी है कॉन्स्टेंट टर्म. तो अगर कंपेयर करते हैं हम इसको इस इक्वेशन जनरल फॉर्म के साथ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज डिग्री इज टू. सो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर? ए कौन है हमें? ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1. बी कौन है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है हमें? दैट इज आल्सो 1. सी कांस्टेंट टर्म कौन है? माइनस 12. यस. नाउ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले चलिए जीरोस निकालते हैं जो हम लोग को पता है, जिसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके निकाल सकते हैं. कैसा करते हैं? मिडिल टर्म आपको पता है, फिर एक बार हम रिवाइज करते रहे. सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है, कॉन्स्टेंट होता है 12, साइन नहीं चाहिए हमें. 12 और ये 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 12 होगा. इस 12 को फिर हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं ना, 2 6 जा 2 3 जा, ठीक है? फिर इस फैक्टर्स का हेल्प से, इन फैक्टर्स का हेल्प से हम लोग क्या लाते हैं? ये कोफिशिएंट ऑफ x को लाना है. विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर वी विल ब्रिंग बैक द कोफिशिएंट ऑफ x. और वो दो ही चांस, दो चांस से आपको लाना, या तो प्लस करके या तो माइनस करके, और डिपेंड करता है कांस्टेंट का साइन पे. कांस्टेंट का साइन माइनस, तो हमको माइनस करके लाना है. कैसे लाना है? 2 2 का होता है 4 माइनस 3. 4 माइनस 3 1 हो गया कि नहीं? अगर कांस्टेंट का साइन प्लस होगा तो आपको प्लस करके लाना है. तो हम कैसे लिखेंगे इसको? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ठीक है. सो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 4x प्लस से माइनस से माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब देखिए एक्स स्क्वायर कितना होगा? देखिए एक्स यहां पे कॉमन क्या लेना है हम लोग को? x कॉमन लेना है. x कॉमन लेने क्या रह जाएगा? x प्लस 4. फिर नेक्स्ट दो टर्म कॉमन क्या आपका? सबसे पहले नेगेटिव साइन ले लीजिए कॉमन, और इन दोनों में कॉमन है आपका 3. फिर रह जाएगा आपका x प्लस q प्लस, बिकॉज माइनस से प्लस है तभी जाके माइनस होगा. तो प्लस 3 कितना आता? 4 इज इक्वल टू 0. नाउ ये दोनों जो टर्म सेम हो गया, लिख दीजिए आप लोग x प्लस 4. इन दो टर्म में कॉमन x प्लस 4 है, यहां में रह गया x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो आपको मैंने पहले भी बता चुका है, इन दोनों टर्म का बीच में है प्रोडक्ट साइन, मल्टीप्लाई साइन. तो दो टर्म को मल्टीप्लाई करके अगर जीरो आता है, तो किसी एक टर्म को जीरो होना है. आपको इसको पहले भी नहीं बोला, दो टर्म को मल्टीप्लाई करके जीरो अगर है, तो किसी एक को तो जीरो होना ही है. जीरो इंटू समथिंग इज जीरो. तो हम लोग आइदर और लिखते हैं ना. सो जीरोस आर आइदर और, आइदर ये पार्ट जीरो होगा नहीं तो ये पार्ट जीरो होगा. तो इससे जीरो क्या निकलता है? माइनस 4 और इससे होगा 3. तो जीरो अगर क्या क्या निकला हम लोग? माइनस 4 एंड 3. ठीक है. तो इसी को लिखता हूं, इसको मिटा देते हैं. जीरो आर माइनस 4 एंड 3. तो ये जो कहानी है हम लोग को पता है, दिस स्टोरी इज नॉट अननोन टू अस. ये कहानी हम लोग को पता है. अब कहानी शुरू होगा. अब आपको ये दे दिया होगा, आपको रिटर्न यहां में लाना है.
जीरोज आर, सोचिए इस बार जीरो आपको मिल चुका है, जीरोज आर कितना था माइनस फोर एंड थ्री, इस बार जीरोज आपके पास है, आपको निकालना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जीरो से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कुछ नहीं, तो जीरो को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आप लोगों को पता है ना, जीरो को कैसे लिखते हैं, x इक्वल टू माइनस फोर और x इज इक्वल टू थ्री, जीरो हम लोग कैसे लिखते हैं, x इक्वल टू माइनस फोर एंड x इक्वल टू थ्री, दीज आर योर जीरोस, ठीक है नहीं, क्योंकि x y वेरिएबल आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना, तो क्योंकि आप ये माइनस फोर डालेंगे कहां में, वेयर टू पुट इन प्लेस ऑफ x, इज इट नॉट, इन प्लेस ऑफ x उसने x इक्वल टू माइनस फोर एंड x इक्वल टू थ्री, दीज आर द जीरोस, नाउ कैन आई राइट x माइनस फोर इधर आने से x प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, मैंने माइनस फोर को ट्रांसपोज कर दिया इधर, x प्लस फोर इक्वल टू जीरो होगा इससे, और इससे कितना होगा x ये बन जाएगा माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, इज इट x प्लस फोर इक्वल टू जीरो एंड x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, नाउ यू सी ये टर्म का वैल्यू है जीरो, ये टर्म का वैल्यू भी है जीरो, तो दो टर्म का वैल्यू अगर जीरो है दोनों को प्रोडक्ट करने से भी जीरो ही आएगा, आया ना, सो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस फोर इंटू एक्स माइनस थ्री इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि इस टर्म का वैल्यू जीरो है आपका, इस टर्म का वैल्यू भी जीरो है, तो दोनों को प्रोडक्ट करने से भी आपको जीरो ही मिलने वाला है, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए आपको यह मिलने वाला है, दैट्स गारंटी, देखिए करके दिखा जाता है, एक्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कैसे, x माइनस थ्री प्लस फोर इसका साथ भी आएगा x माइनस थ्री, जस्ट हम लोग ट्राई करके देख रहे हैं क्या होगा, ये x स्क्वायर माइनस थ्री एक्स ये बन जाएगा प्लस फोर एक्स प्लस है माइनस है माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, तो बन गया x स्क्वायर कितना होगा ये आपका प्लस x माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया कि नहीं, x स्क्वायर प्लस x माइनस ट्वेल्व, सो यूजिंग द जीरो वी हैव गॉट बैक टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट अब हम लोग को एक ऐसा जनरल रूल निकालना है, आपको एक जनरल रूल निकालना है, जनरल होना पड़ेगा कि कभी भी आपको जीरोस मिलेगा आप इक्वेशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इट इज नॉट ए जनरल रूल, सबका लिए आपको दूसरा दूसरा करना पड़ेगा, ये जीरोस आप ले सकते हैं, दूसरा जीरो होगा फिर से डिस्ट्रीब्यूट मारिए, इट्स नॉट लाइक दैट, एक जनरल रूल निकाल के दिखाएगा अभी आपको, देखिए ठीक है ये रहने दीजिए, इसमें मेरा काम है कुछ, देखिए जीरोस को हम लोग और एक नाम से जाना जाता है, जीरोस को हम लोग रूट्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं रूट्स, ऑल आर ऑफ सेम मीनिंग, जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल रूट्स ऑफ द पॉलीनोमियल बोथ आर हैविंग द सेम मीनिंग, सो डोंट कंफ्यूज स्टूडेंट्स, ठीक है जीरोस रूट्स सब एक है, ठीक है अब देखिए जीरोस निकला था कितना था माइनस फोर एंड थ्री, तो इस जीरोस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं दो मैथमेटिकल टर्म सिंबल से, वो होगा आपका एक अल्फा एक बोलते हैं हम लोग बीटा, ठीक है ये मैथमेटिकल हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, मैथमेटिकल सिंबल से यूज कर रहे हैं अल्फा बीटा, ये जस्ट नाम दे दिया मैंने, जैसे आप लोग का इनिशियल वेलोसिटी को आप लोग यू बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी बोलते हैं, आखिर वही बोलते चलते से जीरोस को हम लोग एक पर्टिकुलर हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ये दो सिंबल से, एक जीरो को अल्फा पकड़ लेते हैं दूसरा जीरो को बीटा पकड़ लेते हैं, ठीक है याद रखिएगा ना, तो जीरोस आर हम लोग लिख सकते हैं ना, जीरोस आर एक होगा अल्फा एक होगा बीटा, जैसा अल्फा बीटा जिसको भी आप पकड़ लीजिए आपका मर्जी है, ठीक है अब जनरल फॉर्म में लाने जा रहे हैं, देखिए जनरली लाएगा एक साइड फॉर्म लाएगा जिसको सिर्फ यूज कीजिए आपको इक्वेशन डायरेक्ट मिलेगा जब जीरोस दिया जाएगा, सो जीरो था अल्फा एंड बीटा, तो जीरो कौन था यहां में माइनस फोर एंड थ्री, जीरो को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स इक्वल टू माइनस थ्री, सो ये क्या हुआ एक्स इक्वल टू ये जीरो है वो माइनस फोर है खाली सिर्फ वैल्यू नहीं है इसमें हम लोग एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फा बीटा, तो जीरो क्या होगा ये होगा अल्फा
ये होगा x इक्वल टू बीटा हाँ कि नहीं बोलिए इधर x इक्वल टू माइनस फोर x इक्वल टू थ्री ठीक है ना जीरो ना ये माइनस फोर को ट्रांसफॉर्म कर सकेगा x प्लस फोर इक्वल टू जीरो तो ये क्या बन जाएगा x माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो और ये बन जाएगा x माइनस बीटा इक्वल टू जीरो हम यही स्टेप्स फिर करने वाले हैं यहां में सिर्फ वहां में न्यूमेरिकल वैल्यू था 4 माइनस 3 या हमें सिंपल से ठीक है अल्फा बीटा कोई चीज अल्फा बीटा दीज आर द जीरोस वी एक्सप्रेस इट ओके ना अगर ये टर्म जीरो हो सकता है ये टर्म भी जीरो तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा मैंने अभी बोला दोनों का प्रोडक्ट भी होगा जीरो तो प्रोडक्ट कर दिया एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो मैं तो ऑलरेडी पहले बोला अब डिस्ट्रीब्यूट मारते चले x का साथ ये पार्टनर आ जाएगा कौन x माइनस बीटा एंड माइनस अल्फा का साथ आएगा आपका x माइनस बीटा विच इज इक्वल टू जीरो सो नाउ योर प्रोडक्ट ये बनेगा आपका x स्क्वायर माइनस बीटा x माइनस अल्फा x माइनस में माइनस प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो Now the most important line x square इन दोनों टर्म में माइनस कॉमन ले सकते हैं माइनस और एक x कॉमन ले लिया ठीक है तो माइनस कॉमन लेने के बाद यहां पर क्या बच गया बीटा यहां पर आपको देना पड़ेगा प्लस क्यू प्लस बिकॉज ये माइनस से प्लस है ये माइनस है ना तो माइनस से प्लस से माइनस होगा क्या बच गया अल्फा ना माइनस कॉमन बीटा यहां पर गया प्लस अल्फा वाई माइनस से प्लस से माइनस और यहां क्या दोनों में क्या कॉमन है एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो सो स्टूडेंट्स वी हैव अराइव्ड टू ए जनरल फॉर्म यहां से सुनिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा क्या था आपका मैंने बोला था दीज आर द जीरोस यस वेरी गुड दीज आर द जीरोस और दोनों जीरोस का यहां में क्या हो रहा है इस ब्रैकेट के अंदर सम यस तो हम लोग क्या बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस पर सम ऑफ रूट्स दो बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस ये दोनों जो जीरोस के बीच में क्या सन है क्या हो रहा है ऑपरेशन दैट इज प्रोडक्ट यस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो x square minus sum of the zeros into x plus product of the zeros. This is the general form of what? A quadratic equation का general form है. जब आपको zeros दे दिया होगा, आप उससे quadratic equation निकाल सकता है इस form से. X square minus बैठा दीजिए हमें sum of the zeros into x plus product of the zeros equal to zero. ठीक है? अब मैंने उसको रखा क्यों आपको उससे करके दिखाएगा ठीक है इसी को हम करके दिखा सकते हैं आपको देखिए आपका ये था पॉलीनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन था कि नहीं सो आपका जीरो कौन था माइनस फोर एंड थ्री चलिए डाल के देखते हैं सो सबसे पहले आप सम ऑफ द जीरोस निकालिए सम ऑफ द जीरोस कितना बड़ा लैंग्वेज निकलेगा जरूरत नहीं सम ऑफ द जीरो रिप्रेजेंटेड एज अल्फा प्लस बीटा ये बोल रहा है आपको क्या सम ऑफ द जीरोस बिकॉज अल्फा एंड बीटा आर बाय जीरो सम ऑफ द जीरोस कौन है हमें आपका एक सम निकाल के देखिए माइनस फोर प्लस थ्री कितना होगा आपका माइनस वन एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना होगा माइनस फोर इंटू थ्री दैट इज माइनस ट्वेल्व ठीक है अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा निकालेगा हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस क्या था आपका जनरल फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस क्या था सम ऑफ द जीरो सम ऑफ द जीरोस क्या है राइट अल्फा प्लस बीटा वही तो है ना बिकॉज अल्फा प्लस बीटा अल्फा एंड बीटा कौन है आपका जीरोस तो सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कैसे लिखेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस कितना मिला हम लोग को माइनस वन सबको माइनस वन ब्रैकेट में देना है ये माइनस आपको देना ही है ये जनरल फॉर्म में है जनरल फॉर्म में तो ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस
तो x square minus आम का zero का value कितना निकला minus one डाल दीजिए into x plus पूरा का zero कितना है आपका minus 12 into zero. So we see we have got x square minus है plus how much 1x minus 12. देखिए निकल क्या गया मुझे ये general form, ये आपका general form easily. ये फॉर्म याद रखिएगा टू गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन जीरोस आर देयर. अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना बोलेगा सिर्फ इक्वल टू जीरो मत लीजिए, बस इतना तक रखिए. ठीक है, अगर इक्वेशन बोला इक्वल टू जीरो रखिए. सो व्हाट इज द जनरल फॉर्म x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. ठीक है, तो जीरोस से आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट.